को जब मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हो के मैंने जब मैं उसको ले गया पोएट ग्रैंड में मेरे को बोलता है ये काम है। जब मैंने उसको देखा शुरू में मेरे को हंसी आया, मैंने मैं क्या करूं, तो देखने लगा मैंने बोला अगर मिक्की माउस को छोड़ दूंगा तो पीछे घर भी तो मुझे देखने में क्या करूं। तो मैंने बस अल्लाह का नाम लेके ये काम मैंने शुरू कर दिया। वैसे शुरू में मेरे को बहुत शर्म आ रहा था, बार बार उसको उतारना फिर पहनना, फिर उतारना फिर पहनना, फिर मेरे को आदत ही हो गया इसी का। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि डांस में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुल्ला कुल्ला है, बस गए परफॉर्म कर दिया, डांस कर लिया, हवा थोड़ी बहुत है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर कुछ भी हवा नहीं है, इससे गर्मी पसीने से भरा हुआ। जो लोग बोलते हैं कि अपना चेहरा हमें देखा, आप इतने अच्छे डांस कर रहे हो, हम कहाँ से अपना चेहरा देखा है, पसीने से हम भरे हुए हैं। मेरा नाम शहजाद है और मैं डांस ही करता हूँ और मेरी उम्र है 36। मेरा इलाका है लियारी गरीबशाह। असल डांस तो मैंने बचपन ही से मैं डांस करके आ रहा हूँ। असल मेरे मैंने अपने मामू को देखे थे, ऐसे आस्ते आस्ते मुझे शौक हो गया था। फैमिली में एक मेरी वाइफ है, माशाल्लाह मेरे चार बेटी एक बेटे, 5 बच्चे हैं मेरे के घर पे। तो अकेला मैं खुद ही कमाने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे तो मेरे अम्मू अब्बू थे, उस टाइम पे मैं तो बहुत खुशहाल था। मेरे को डांस का हो गया। जब अम्मू अब्बू मेरे गुजर गए तो मैंने अपने बच्चों को मैंने देखा तो बस मैं टूट गया। फिर मैंने बोला आज के बाद ये शौक नहीं करूँगा, अपने रोज़गार बनाऊँगा। तो ऐसे मैंने उसको अपने डांस को मैंने अपना रोज़गार बना दिया। जब फायर डांस जब मैंने शुरू किया तो इसमें मेरे को बहुत काफ़ी टाइम लगा। कितने मैंने अपने घरों का कपड़े मैंने चला दिया इसको सीखने में, कितने बातें मैंने घर वालों से कहा है। वैसे आप मुँह से मैं मिट्टी का तेल लेता था, मारता था, बस घर मैंने चला दिए थे कोने कोने शौक से। बस मुझे लग गया था अभी नहीं, मुझे करना है। जो एक जो होते हैं जाहली, मैं वही जाहिल में लग गया था। मैं करूँगा अपने डांस करूँगा, ये सीखूँगा। दो चार मरतबा मेरे हाथ जल गए थे, इधर जला हुआ था, यहाँ जला हुआ था, मैं जो आपको यहाँ से हाथ पे मैं मारना घसीटना यहाँ पर मैं जला हुआ था, ये देखो अभी तक भी निशान है हाथ का, यहाँ पे जला हुआ था, मिट्टी का तेल गिराया था सर पे ना, तो ये भी जल गया था। मैं अव्वल अल्लाह के आश्रय में और दूसरा ये मिक्की माउस के आश्रय में पोर्ट्रेट में जाता हूँ, अपने बच्चों का पेड़ निकाल लेता हूँ। उसमें से भी अल्लाह का शुक्र है, जो मिल जाता है अल्लाह का शुक्र है बहुत। इसमें मेरे को 600 भी मिलते हैं, कभी 1000 भी मिलते हैं, कभी 1000 भी मिलते हैं, कभी 1500 भी मिलते हैं, कभी कभार तो 200 के भी आ जाते हैं। वो नसीब की बात है। जिसको पहनते हैं डांस करते हैं, बच्चों के ब्रश करना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को हंसाना, तो हर कोई बच्चा अगर देखता हम लोग से डरा हुआ है, हम लोग और उसको हंसाने की कोशिश में करता हूँ कि बच्चा हंसे रोए ना। ऐसे डांस के नाम मुझे इतने तो पता नहीं है, मैं जो सॉन्ग चला ना तो उसी सॉन्ग पर पूरे म्यूज़िक के ऊपर भी डांस कर सकता हूँ। ऐसे तो तमाम क्लासिकल हो गया, कथक हो गया, ये अपना बलूची रस्म है जो बलूची का, ये कर लेता हूँ।
जो सब समझो डांस हो गया तो कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ब्रेक डांस समझो मैंने टीवी देख देख के मैंने सीखा था, ये अपना अल्लाह चंदन नसीबपुर माइकल वो उससे मैंने ब्रेक मैंने उससे सीखा था, प्रभु से सीखा था ब्रेक डांस। ज़्यादा अक्सर मैंने प्रभु देवों से देख के मैंने डांस सीखा था। जो जाके मैं डांस करने जाता था सिर्फ कंपेयरिंग होते थे मेरे नाम के, आप लोग सब शहजादा, बस मेरे से नाम सुन के पब्लिक का शोर स्टार्ट, शहजाद। मेरे अंदर से और जुनून आ गया कि और अच्छा सा काम करके जाऊँ। मैंने फिल्मों में भी मैंने काम किया हुआ था, ड्रामों में मैंने काम किया था, मूसा खान में मैंने काम किया हुआ था, एक भाई माँ तुझे सलाम, बॉर्डर का फिल्म में मैंने काम किया था, ऐसे तो बहुतों फिल्मों में मैंने काम किया था गानों में। शुरू में मैं डांस सिखाता था तो उसके बाद ही मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने मना कर दिया कि डांस मत करो, डांस को छोड़ दो। हर कोई बोलता था यार उस्ताद हमें डांस सीखने में मना करता था, भाई जाओ डांस से बेहतर है आप जाओ कोई मैकेनिक का काम कर लो या कोई दूसरा काम कर लो या कंपनी में जॉब में लग जाओ, डांस के पीछे मत जाओ, ये डांस कुछ नहीं देगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दिया डांस में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी अपने डांस के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देना। ऐसा अलहमदिल्ला मेरी अपनी एक दुकान भी है, LCD और रिपेयरिंग भी करता हूँ। इसका मुझे शौक था ना, ये शौक था वो मेरे को शौक नहीं था, ये मकसद वो काम मेरे अब्बू ने मेरे को आगे बोला था नहीं काम कर लेना, ये TV बना देना। मेरे अब्बू मैं तो डांसर हूँ, बोलते नहीं कि डांसर हो गया तो क्या हुआ, ये काम नहीं करोगे। अब्बू ने मुझे बोला था कि ये TV बनाना है, मैं भाग के चला जाता था कुछ डांस के क्लब में। अभी ये समझो महसूस हो रहा है कि मैंने क्यों अब्बू का ये बात नहीं माना कि ये पूरे उसके अंदर में घुस जाता TV के, याद आ जाता है कि मैंने क्यों कुछ लोगों का बातें मैंने नहीं माना। ऐसे तो मेरे को बहुत डांसरों ने बोला था यार अपने अच्छे डांसर हो, ये आपको शोभा दे रहे हैं आप, यहाँ पर पोर्ट्रेट में मिक्की माउस बना हुआ है, मतलब क्या करें। इलाके वाले अभी आते थे मेरे से हाथ मिला के जाते थे, मेरे साथ डांस कभी करते थे इलाके वाले, सिर्फ ये अपना चेहरा मैं नहीं दिखाता था कि इसके अंदर मैं हूँ, क्योंकि मैं अगर उसको बोलता कि इसके अंदर मैं हूँ तो समझो मेरा टाइम ज़ाया, कि दो बातें फिर सुनना पड़ेगा। ऐसे मुझे पसीना आ रहा था, गर्मी मुझे बहुत महसूस हो रहा था, पर मैंने उसको उतार दिया देख तो इलाके वाले ने मुझे देख लिया, क्या शहजादा आप हो। हमने समझा पर शायद तो कोई लेडीज होगा या कोई दूसरा लड़का होगा, उसके अंदर आप हो जी। हाँ बोलते आप शोभा नहीं देता, आप इसके अंदर हो, कोई दूसरा कोई जॉब मॉप कर दो। फिर बस वो लोग बात करते गए, मैं यहाँ से सुनता था यहाँ से निकालता था, मेरा जो कुछ बोलने उस लोग को बोलने दो, क्या सुनता सबका करता अपना मन का। क्या वो तो समझेंगे नहीं तब भी वो तंग करेंगे। आप उसको बोल देना कि मत करना, फिर भी शुरू हो जाते, इसका नाक खींचेंगे, इसका कान खींचेंगे, ऐसे ही मस्तियाँ शुरू। ज़िंदगी से भी क्या गिला शिकवा भी क्या करें, जो मुकद्दर में मेरा लिखा हुआ था बस वही तो मैं करता हुआ जा रहा हूँ।